हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर, जिसको पहले सिस्टर ग्रेड टू कहा जाता था, उसकी वैकेंसी के बारे में। तो ये लेटेस्ट वैकेंसी है, ठीक है, जिसका फॉर्म 5 जनवरी 2023 से भरा जाएगा, ठीक है, और ये 25 जनवरी तक ही, यानी कि जनवरी में 25 तक भरा जाएगा, 5 से और 25 तक, ठीक। अब हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि टोटल इसकी वैकेंसी है 905 वैकेंट सीटें, ठीक है, जिसमें एससी की सीटें हैं 191, एसटी की सीटें हैं 19, ओबीसी की सीटें हैं 243, ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 90 और अनरिजर्व यानी कि जनरल की सीटें हैं 362, ठीक। टोटल 905 वैकेंट सीटों पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी फिल की जाएगी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये पेपर के बारे में कैसा आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी पानी है, ठीक, तो हम लोग www.sgpgims.org.in इस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे छूटने ना पाए, ठीक। ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सीबीटी टेस्ट पेपर के थ्रू ही फिल की जाएगी, ठीक है, और पेपर केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा भरना और 25 जनवरी तक भरा जाएगा। अगर हमें फॉर्म से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, www.sgpgims.org.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे हमें रेगुलरली विजिट करना होगा, ठीक। अब हम लोग फी की एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो जो अनरिजर्व है उनके लिए 1180 रुपया, टोटल जीएसटी मिला के 1180 रुपया पे करना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, यानी कि अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपया पर एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा। एससी और एसटी के लिए 708 रुपया, ठीक है, ये सब फीस जीएसटी मिला के है, ठीक। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी वापस नहीं किया जाएगा। अब हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो एडमिट कार्ड इसमें क्लियरली मेंशन है कि एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जाएगा, हम लोग को डाउनलोड ही करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और देखना है कि एडमिट कार्ड कब आ गया है, ठीक है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि एज लिमिट, ठीक, तो एज लिमिट हमारा मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 इयर्स है, ठीक। और ये एज लिमिट 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 को हम मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स के हो जाना चाहिए। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि सिंपल सी भाषा में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जिसको पहले सिस्टर ग्रेड टू कहा जाता था। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारा है कि पहला है कि बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, ठीक, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और पोस्ट या फिर बीएससी होना चाहिए पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास डिग्री के साथ साथ हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडिया नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, तो स्टेट में भी और INC यानी इंडिया नर्सिंग काउंसिल में भी हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक। डिग्री के साथ साथ हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारे पास रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडिया नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, या तो हमारे पास डिग्री और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और, ठीक है, या तो अगर हमारे पास बैचलर डिग्री है, या फिर अगर हम दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग डिप्लोमा है इन JNM यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन
नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल, और उसके पास या तो हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो हमारे पास बैचलर होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन तो दोनों में अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि अगर फ्रेशर लोग अप्लाई करते हैं तो उनके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और अगर कोई फ्रेशर है तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर है उसके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, मिनिमम एट 5-bedded हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन एट 2.1, ठीक है। तो डिप्लोमा होल्डर के लिए 50-bedded हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और बैचलर के लिए कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।